नमस्कार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मंडल दौलताबाद जिला सिद्धिपेट। मेरा नाम जी मंजुला, सीआरटी हिंदी। आज हम व्याकरणांश में समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास के पहले हम समास की परिभाषा जानेंगे। समास की परिभाषा है, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करना है। यह नया शब्द ही समास कहलाता है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके वही समास होता है। समझे ना छात्र? और हम जानेंगे समास के प्रकार। समास के छह प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? छह प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठवा बहुव्रीही समास। इसके बारे में और जानकारी करेंगे। पहला समास है ना अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा जानेंगे। जिन शब्दों के पहला पद उपसर्ग होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उन शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण से हमें और जानकारी मिलती है। अनुरूप, अनु प्लस रूप, अनु क्या है? उपसर्ग है। आ जन्म, आ प्लस जन्म, आ क्या है? उपसर्ग है। पहला शब्द क्या है? आ क्या है? उपसर्ग है। दूसरा पद जन्म, वह प्रधान है। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है। दिन प्रधान शब्द है। समझे ना छात्र? दूसरा हम अव्ययी भाव समास के बारे में जाने ना। दूसरा शब्द, दूसरा समास क्या है? कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा जानेंगे। जिस समास में प्रधान पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण जानेंगे। जो भी समास में प्रधान पद क्या है? दूसरे पद की विशेषता बताती है। कमल नयन, दो पद है ना, कमल पहला पद है, नयन दूसरा पद है। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। दूसरा चंद्रमुख, इसमें भी दो शब्द है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। महापुरुष, महापुरुष दो शब्द है, महान है जो पुरुष। समझे ना छात्र? तीसरा तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास का परिभाषा है, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इन शब्दों के बीच में क्या होता है? कारक चिन्ह होता है। यश को प्राप्त, मन से चाहा, राजा का पुत्र, इन तीनों शब्दों में को से का जैसे कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, मन से चाहा, मन चाहा, राजा का पुत्र, राजपुत्र, इन तीनों शब्दों में क्या हुआ? कारक चिन्ह का लोप दिखाई दे रहा है। और चौथा समास, द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। जिसे समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक चिन्ह, एक योजक चिन्ह लुप्त हो जाए वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। योजक चिन्ह माने एक छोटी सी रेखा, दोनों शब्दों के बीच में क्या होता है? एक छोटी सी रेखा होता है, उस रेखे को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। नदी और नाल, नदी और नाल, नदी नाल के बीच में क्या है? एक चिन्ह है, योजक चिन्ह। पाप पुण्य, इन दो शब्दों के बीच में क्या है? एक योजक चिन्ह है। सुख दुख, इन दो शब्दों के बीच में क्या है?
एक योजक चिन्ह है। इन्हें को योजक चिन्ह निकाल कर पढ़ने से क्या होता है, नदी और नाल, पाप और पुण्य, सुख और दुख, समझे ना छात्र। और पांचवा समास के बारे में जानेंगे। पांचवा समास है द्विगु समास। द्विगु समास का परिभाषा है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। इस द्विगु समास में क्या है, पूरे के पूरे संख्यावाचक शब्द हमें दिखाई। द्विगु समास का उदाहरण, एक चौराहा, चार राहों का समूह। चौराहा माने चार राहों का समूह। दूसरा तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तीसरा त्रिभुज, तीन भुजों का समूह। इन सारे शब्दों में क्या है, संख्यावाचक शब्द दिखाई दे रहा है। और छठवा बहुव्रीही समास, जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं वह समास बहुव्रीही समास कहते हैं। बहुव्रीही समास में क्या होता है, दो पद मिलाकर तीसरे पद का संकेत देता है उन्हें बहुव्रीही समास कहते हैं। उदाहरण जानेंगे, लंबोदर, लंबोदर माने लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर, लंबा उदर, उदर माने पेट, पेट जिसका लंबा होता है वह कौन है, गणेश जी है। इसलिए यह किसकी संकेत करते हैं, गणेश जी की संकेत दे रहा है। दूसरा उदाहरण है गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला कौन है, शिव जी है। इसलिए गंगाधर किसकी संकेत देता है, हमें शिव जी का संकेत दे रहा है। नमस्कार।